हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जार फर्स्ट पेपर और जॉब ट्रॉफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ, जो कह सकता हूँ अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। वो मैंने अभी तक कोई भी इतनी महत्वपूर्ण सूचना का कोई वीडियो नहीं बनाया और शायद ना ही किसी ने बनाया होगा। देखो, वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बिल्कुल सब्सक्राइब आपको करना ही है, हर हाल में आपको सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को, इस चैनल को। और साथ ही साथ आपको बिल्कुल इसी तरीके के और भी वीडियो से अपडेट रहना है और भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखो, आज मैं लेके आया हूँ पीएचडीओं की बम्पर वैकेंसी। एक तरीके से बोल सकता हूँ कि 2020-21 में निकलने वाली पीएचडी की वैकेंसियों से रिलेटेड कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने एक साथ पीएचडी की वैकेंसी निकाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल 50 ऐसे यूनिवर्सिटियों की जहां से 2020-21 में पीएचडी की वैकेंसी निकलने वाली है, जो कि निकल चुकी है। तो हम आपको डिटेल से समझाते हैं इसके बारे में। यदि वो 50 यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखो, अब हम बात करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून है। यहाँ पर टोटल 114 सीट है पीएचडी की और इसके सामने ये लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आता है रीजनल सेंट्रल एंड बायोटेक्नोलॉजी और इसकी भी लास्ट डेट है वो 15 जून है। उसके बाद है नेक्स्ट इग्नू, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ निकली हुई हैं 28 स्ट्रीम में, मतलब 28 डिपार्टमेंटों में टोटल 248 पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जो कि एक बहुत अधिक संख्या में है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। एक है जेएनयू यूनिवर्सिटी। कौन सी है? जेएनयू यूनिवर्सिटी है जहाँ पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, टोटल 46 सीट है। किसके लिए? पीएचडी के लिए 46 सीट है और एमफिल के लिए टोटल 366 सीट है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ पर एमफिल की 366 और पीएचडी की 46 सीट निकली हुई हैं और जिसकी लास्ट डेट भी 15 जून है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है BTS पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। और यहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। उसके बाद हम बात करते हैं जैन डिम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर, वहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जिसकी लास्ट डेट है 22 जून 2020। उसके बाद है CHRIST डिम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जिसकी लास्ट डेट है 8 जून 2020। उसके बाद है UGC इनवाइट इंफॉर्मेशन फॉर मिनोरिटी स्टूडेंट्स फॉर मौलाना आज़ाद नेशनल फिलोसफी, उसकी लास्ट डेट है 30 जून। फिर आता है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसकी लास्ट डेट है 30 जून। फिर आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है, वहाँ पर निकली हुई है पीएचडी की टोटल 100 सीट है और एमफिल के लिए टोटल 92 सीट है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। प्लीज़, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला आपको अपनी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ इसको मौके को ना गंवाएं। उसके बाद नेक्स्ट है
वीआईटी रिसर्च एडमिशन जो कि चेन्नई में है, यहाँ पर पीएचडी की वैकेंसी निकली हुई हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है जहाँ पर पीएचडी की 311 और एमफिल के लिए टोटल 133 सीट निकली हुई हैं। इसके बाद है आईआईटी दिल्ली ओपन एप्लीकेशन पोर्टल अगेन फॉर पीएचडी एमएससी, इसकी लास्ट डेट भी 30 जून है। उसके बाद है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इसकी लास्ट डेट है 13 जून 2020। उसके बाद है एनआईटी सिलचर, इसकी लास्ट डेट है 26 जून 2020। फिर आता है एनआईटी जमदीशपुर, इसकी लास्ट डेट है 22 जून 2020, जहां पर टोटल 70 पीएचडी की सीट निकली हुई है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आईसीएसएसआर न्यू दिल्ली, यहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसी निकली हुई है जिसकी लास्ट डेट 21 जून है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू रहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। फिर आता है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जिसको हम डीटीयू बोलते हैं, उसकी लास्ट डेट है 21 जून। फिर आता है एनआईटी आंध्र प्रदेश, इसकी लास्ट डेट है 15 जून। फिर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा जिसकी लास्ट डेट 20 जून 2020 है। इसके अलावा एनआईटी ट्रिची जिसकी लास्ट डेट है 30 जून 2020। फिर हम बात करते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जिसकी लास्ट डेट है 30 जून 2020। फिर आता है धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2020। उसके बाद आता है तेजपुर यूनिवर्सिटी जिसकी लास्ट डेट भी 15 जून 2020 है। फिर आता है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी जो कि चंडीगढ़ में है, इसकी लास्ट डेट भी है 15 जून 2020। उसके बाद आता है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं IGTU इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, टोटल 150 वैकेंसियाँ हैं और इसकी लास्ट डेट 15 जून 2020 है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च JRF एग्जामिनेशन, इसकी लास्ट डेट है 16 जून 2020। फिर आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी लास्ट डेट है 18 जून 2020 जहां पर पीएचडी की 235 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। कितनी हैं? 235। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त। फिर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 जून 2020 जो कि जा चुकी है। यदि आपने CUCET का फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता आपका, इसमें नहीं हो सकता, बाकी आप हर जगह सक्सेस हो सकते हो यदि आपने मेहनत की है, लेकिन इस साल CUCET में आपका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद है एक लास्ट आईआईटी है एक जो कि एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी लास्ट डेट है 10 जून 2020 और यहाँ पर भी पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बिल्कुल अपडेट रहना है कि कहाँ पर पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कहाँ पर एमफिल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कहाँ कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कहाँ पर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, इनसे रिलेटेड आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट से अपडेट रहना है कि वैकेंसी कब निकलेगी, उसका फॉर्म डेट कब स्टार्ट होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है,
एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर एडमिट कार्ड आ गया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, फिर रिजल्ट कब आएगा, उसकी आंसर की आएगा कब आएगी, तो इन सभी इंफॉर्मेशन से आपको अपडेट रहना है। तो भाई आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और यदि आप ज्योग्राफी से हो और आपको अच्छे तरीके से कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है और वहाँ सिलेक्शन लेना है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज़रूर जुड़ें। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे, उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड से शेयर करना और ढेर सारे कमेंट्स करना। थैंक्स देखने के लिए, बाय।